हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें बोला गया है कि पी टी क्यू एस पैरेलल है, यानी कि ये पी टी लाइन है, ये क्यू एस वाली लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। आर यू, सो ये तीनों तीन लाइन पैरेलल है, ठीक है। दूसरा हमें बोला है आर पी परपेंडिकुलर, दिस साइन इज रेड एस परपेंडिकुलर, आर पी परपेंडिकुलर पी टी। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये आर पी है और ये पी टी है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे 90 एंगल फॉर्म हो रहा है। उस पे से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता करनी है, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। फर्स्ट है आर टी ए, यानी कि दिस वन आर टी ए, राइट। दिस कैन बी नेम्ड एज एस टी ए ऑल्सो, इसको हम एस टी ए भी बोलेंगे, बट हियर इट इज आर टी ए। सो आर टी ए, देन आर एस बी, आर एस बी, सो दिस वन आर एस बी, एंड पी आर एस, पी आर एस, सो दिस मच, राइट, पी आर एस, इतना बता करना है। अभी फ्रेंड्स इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में हम सिस्टमेटिक जो एक्सप्लेनेशन है लिखना है वो लिखेंगे। सबसे पहले मैं सबसे जो ईजी है वो हम फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप ये थ्री लाइन्स में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ बाजू में, ठीक है। सपोज दिस इज माई वन लाइन, टू लाइन एंड थ्री लाइन, एंड टेम्पररी फ्रेंड्स ये लाइन पी आर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आर टी वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आर टी वाली लाइन, राइट, आर टी वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आर टी वाली लाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमें जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो ये है 55। अभी फ्रेंड्स आप इमेजिन करो कि तीन पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जैसे हम आगे नंबरिंग देते थे वैसे हम नंबरिंग दे रहे हैं, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो थ्री का कोरिस्पॉन्डिंग कौन होगा, थ्री का कोरिस्पॉन्डिंग होगा 7, राइट, थ्री एंड 7 कोरिस्पॉन्डिंग, सामने की सामने वाला। सो ये हमें 55 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये 55 होगा। अभी आप सोच रहे हो कि ये तो हमें फाइंड करना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ये फाइंड नहीं करना है, लेकिन 7 और 6, तो आप अगर इतना ही देखो जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही आप देखो, इतना ही, तो ये आपको लीनियर पैर दिख रहे हैं, ठीक है, इतना ही टी बन रहा है देखो, तो ये लीनियर पैर है, यानी कि 6 + 7 = 180, isn't it? तो अभी फ्रेंड्स मुझे इतना पता चल गया ये दोनों का टोटल 180 है, 7 जो है 55 है। अभी 55 में कितने ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख देंगे 125, बिकॉज 125 एंड 55 यूजर्स 80, तो हमें जो ढूंढना था उसमें से एक मिल गया, एंड दिस इज 125। अभी फ्रेंड्स मैं ब्लू लाइन यहाँ से हटा रहा हूँ, तो हमें जो फाइंड करना था उसमें से 6 था, इजंट इट, ये 6 हमें फाइंड करना था, वो हमें मिल गया 125। अभी ये 6 का कोरिस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो उसके सामने के सामने वाला, 6 के सामने 7 है, 7 के सामने 10 है, 10 पे हमें फाइंड करना था, वो भी हो गया 125। तो आपके जो तीन प्रॉब्लम थे उसमें से दो प्रॉब्लम तो इंस्टेंट सॉल्व हो चुके हैं, यानी कि आपको आर टी ए ये मिल चुका है 125, आपको आर एस बी यानी कि ये मिल चुका है नंबर 6, दैट इज अगेन 125, तो आपको दो आंसर तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी फ्रेंड्स दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये भी पता करना है जो हमारी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो जा रहा है नंबर 4 में, ठीक है, आपको नंबर 4 भी पता करना है। अभी फ्रेंड्स मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ क्योंकि वो समझने के लिए, ये फाइंड करने के लिए मैं दूसरा एक डायग्राम बना रहा हूँ। अभी फ्रेंड्स सपोज इतनी लाइन्स तो है ही, और एक लाइन हम पी आर वाले ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैंने पी आर वाली लाइन बना दी, ठीक है, पी आर वाली लाइन, लेट मी स्ट्रेच इट लिटल बिट फ्रॉम हियर एंड लेट्स गिव नंबर ओवर हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी फ्रेंड्स हमें ये 90 है ऐसा बोला गया है, कहाँ पे बोला है, ये स्टेटमेंट से, आर पी परपेंडिकुलर पी टी, आर पी परपेंडिकुलर पी टी, सो ये जो नंबर है यहाँ पे जो है वो 90 है। अभी फ्रेंड्स इसका कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, 4 का कोरिस्पॉन्डिंग, 4 का कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा 8, सो दिस इज ऑल्सो 90, राइट, दिस इज ऑल्सो 90। अभी फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों अगेन लिनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, आप मैं हाईलाइट करूँ उतना ही देखो ये, ठीक है, तो ये 6 और 8 का टोटल होगा 180,
तो अभी 6 जो है वो भी मिल जाएगा 90। अभी 6 का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है, उसकी सामने के सामने वाला 10 जो कि हमारा ये है। अभी फ्रेंड्स ये लाइन तो है ही नहीं, अभी हम पूरे की बात कर रहे हैं, पूरा 90 है। अभी फ्रेंड्स ये पूरा 90 उसमें एक लाइन इंसर्ट हो गई जो 55 है, ठीक है, जो 55 है, यानी कि 55 का पोर्शन इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो 55 में कितने ऐड करेंगे तो 90 आएगा। सो 55, 60, 70, 80, 90, सो देन लेट्स से 35, राइट, 55 प्लस 35, 90, तो ये मुझे मिल गया 35। तो ओरिजिनली ये पूरा 90 है, पर उसके ये लाइन की वजह से पार्टीशन हो गए, तो एक पार्टीशन 55 का है, टोटल मुझे पता है ये टोटल 90 ही है, तो मुझे ये भी मिल गया 35। सो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे स्ट्रेटेजी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें कैसे आंसर ऑब्टेन करने। ये डायग्राम देख के शायद आपको लगे कि बहुत ही हार्ड है, बट इफ़ यू विल सी ऑल माई वीडियोज़ इन सिक्वेंस एंड आप केयरफुली अगर कंसेप्ट समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। आपको ज्योमेट्री में कुछ याद नहीं रखना है कि इसके बाद ये स्टेप लिखना है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड राइट वॉट यू हैव अंडरस्टूड, राइट। सो आपने जो समझ लिया वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं। अभी फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, इसमें हम नंबरिंग नहीं दे रहे, हम सीधे नाम लिख देंगे जो हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंगल, मेजर एंगल, दिस एंगल इज टी आर यू, दिस एंगल इज नेम्ड एज टी आर यू, जहाँ पे एंगल बनता है वो अल्फ़ाबेट बीच में आना चाहिए। सो मेजर एंगल टी आर यू इक्वल्स टू मेजर एंगल, कौन सा मेजर एंगल है उसके इक्वल ये टी एस बी, मेजर एंगल टी एस बी इज इक्वल टू 55 इंटू ब्रैकेट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, आपको पूरा लिखना है, मैंने सी और लिख दिया है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। अभी फ्रेंड्स ये दोनों का टोटल 180 होता है, दैट आई नो, राइट। सो आई वुड राइट मेजर एंगल टी एस बी प्लस, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही हम स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। आप अगर कोई दूसरे रास्ते से जाते हो और सॉल्व करते हो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी फ्रेंड्स टी एस बी प्लस ये एंगल का नाम दे देंगे हम आर एस बी प्लस मेजर एंगल आर एस बी इज इक्वल टू 180 इंटू ब्रैकेट लीनियर पैर, इजंट इट, लीनियर पैर एंगल्स ऑफ अ पैर ऑफ लीनियर पैर, राइट, एंगल्स ऑफ लीनियर पैर। अभी फ्रेंड्स इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमें 55 मिल चुका है, ठीक है। सो टी एस बी इज 55, सो 55 प्लस मेजर एंगल आर एस बी इज इक्वल टू 180। सो मेजर एंगल आर एस बी इक्वल्स टू 180 माइनस 55। सो मेजर एंगल आर एस बी इक्वल्स टू 125, इजंट इट, 125। सो मुझे मिल गया है 125, दिस इज 125। सो माई वन ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, आर एस बी इज 125। अभी फ्रेंड्स कोरिस्पॉन्डिंग में कौन है आर एस बी के साथ, सो ये एंगल का कोरिस्पॉन्डिंग है ये एंगल, दैट इज नेम्ड एज एस टी ए, यू कैन कॉल इट एस टी ए और यू कैन कॉल इट आर टी ए। सो हियर आई विल राइट मेजर एंगल आर एस बी इज इक्वल टू मेजर एंगल आर एस बी इज इक्वल टू मेजर एंगल आर टी ए इज इक्वल टू 125 इंटू ब्रैकेट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अभी ये भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है, मुझे दिया गया है आर पी इज परपेंडिकुलर, आर पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, पी टी, तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ मेजर एंगल, अभी जो मैंने पूरा लीनियर पैर वाला समझा उधर इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके इस पे से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेजर एंगल पी आर यू, यानी कि ये पूरा पी आर यू, ये पूरा वो 90 है, सो इज इक्वल टू 90। अभी इसके दो पार्टीशन हो गए पी आर टी टी आर यू, सो मेजर एंगल पी आर टी प्लस मेजर एंगल टी आर यू इज इक्वल टू 90। उसमें से एक मुझे पता है, कौन सा पता है, टी आर यू, टी आर यू 55। सो मेजर एंगल पी आर टी
प्लस 55 इज इक्वल टू 90। इसमें से कैसे आया, तो ये दो पार्ट मिला के PRU बन रहा है, PRU के पार्टीशन हो गए, और इतने PRU यानी पूरा दो पार्टीशन हो गए, तो ये पार्टीशन है PRT और यू कैन कॉल इट PRS एंड दिस इज TRU और यू कैन कॉल इट SRU। ठीक है, अभी फ्रेंड्स मेजर एंगल PRT इज इक्वल टू 90 माइनस 55, सो मेजर एंगल PRT इज इक्वल टू 35, isn't it? So, मुझे जो जो एंगल के मेजर चाहिए थे वो मुझे मिल गए, मैंने एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन शेयर माई वीडियोज ऑन फेसबुक, यू कैन टेल योर फ्रेंड्स कलीग टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट दिस, सो दैट वी कैन स्प्रेड क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। थैंक यू।